हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यामा ने अपने नई फसिनो हाइब्रिड मॉडल को लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्या क्या नया फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ ये स्कूटर को लॉन्च किया गया है और इसकी प्राइस क्या रखी गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले कलर की बात करें तो इसमें टोटल 9 कलर ऑप्शन मिलते हैं। इसमें से 6 कलर पहले ही अवेलेबल थे, बाकी 3 नए कलर को अभी लाया गया है। पहला कलर है कूल ब्लू मेटलिक, विविड रेड, मैट ब्लैक कलर ऑप्शन लाया गया है। लुक्स की बात करें तो यहाँ पे फसिनो की ब्रांडिंग दी गई है और व्हाइट स्ट्रिप स्टिकरिंग दी गई है। ये सिर्फ नए 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, बाकी कलर्स में ये डिजाइनिंग नहीं देखने को मिलती है। फीचर्स की बात करें तो नया LED हेडलैम्प LED DRL के साथ दिया गया है और बैक साइड में वी शेप स्टाइलिश LED टेल लैंप देखने को मिलता है। फसिनो हाइब्रिड में अब आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलता है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, यानी कि आप अब यामा कनेक्ट X ऐप को स्कूटर के साथ कनेक्ट करके फीचर्स की लाभ उठा सकते हैं। जैसे राइडिंग हिस्ट्री देख सकते हैं, लोकेट माई व्हीकल ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, हैजार्ड लाइट, पार्किंग रिकॉर्ड्स और एंसर बैग फीचर्स भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसमें साइड स्टैंड इंजन कटआउट स्विच फीचर्स भी दिया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें इंजन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इंजन दिया गया है। इसमें एक मोटर फिक्स किया गया है, जब भी गाड़ी को ज्यादा पावर की जरूरत होती है ये मोटर बैटरी से पावर लेके एक्स्ट्रा पुश देती है गाड़ी को, जिससे गाड़ी की इंजन पे कम स्ट्रेस पड़ता है और आपको 16% मोर माइलेज मिलता है। इसमें 125cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC 2-वाल्व फ्यूल इंजेक्टर इंजन दिया गया है। ये इंजन 6500 RPM पे 8.2 PS का पावर और 6000 RPM पे 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस नए टेक्नोलॉजी के वजह से इस इंजन का टॉर्क थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है 0.6 न्यूटन मीटर तक। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, इसमें ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट और स्टॉप फीचर्स दिया गया है। इसका मतलब अगर आप इंजन को कुछ सेकंड तक आइडल में रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, अगर आप थोड़ी सी एक्सीलेटर देते हैं तो ये इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, इसमें साइलेंट स्टार्ट फीचर्स दिया गया है। इसमें स्मार्ट मोटर जनरेटर एक मोटर दी गई है के हेल्प से ये स्कूटर साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। प्राइस की बात करें तो सारे कलर्स की डिफरेंट प्राइस यहां पर रखी गई है। यामा फसिनो 125 हाइब्रिड ड्रम वेरिएंट की प्राइस 70,000 से लेकर 71,000 तक देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया ये प्राइस रेंज आपको डिफरेंट कलर की प्राइस की वजह से देखने को मिलती है। और यामा फसिनो 125 हाइब्रिड डिस्क वेरिएंट की प्राइस 76,530 से लेकर 78,530 तक देखने को मिलता है, ये भी डिफरेंट कलर की डिफरेंट प्राइस की वजह से। तो नया यामा फसिनो हाइब्रिड में नए कलर, ब्लूटूथ ऑप्शन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे अपडेट, ऐसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपको सारी जानकारी मिल गई है इस गाड़ी के बारे में। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।